भाई आप आगे धर जाओ, थोड़ा पीछे। कोई नहीं है तो कोई ये सुबह है ना, वीडियो मैं टीवी से पावना है ये, तो मतलब इसमें मैं गोल्ड मेडल तो बहुत बड़ी है, गोल्ड मेडल बहुत छोटी चीज है ना ये भावना, मतलब शब्द में बयान करने की कोई बात ही नहीं है ना, मैं करे नहीं पाऊंगी, बहुत बड़ी बात। इनका संघर्ष भी व्यर्थ जाओगा, आप मतलब पूरे अपने समाज का भी संघर्ष व्यर्थ जाओगा। यह गंगा जल भाई साहब, हम अपनी चैंपियन लाडली बेटी विनेश के लिए हरिद्वार से देर लेकर के निकले थे, हम पैदल आ रहे हैं और हम 12 तारीख को चले थे वहाँ से, और ये हमारा संकल्प था कि हम गंगा जल लेकर के जाएँ, पैदल लेकर के जाएंगे और अपनी लाडली बेटी विनेश के इस गंगा जल से पैर धोएंगे। तो अभी हम खरगोदा जा रहे हैं। सर क्या कारण है कि गंगा जल है वो आप लेकर निकले हो, विनेश फोगाट अब भारत है वो वापस लौट आई है पेरिस से, हालांकि उनको पदक है वो नहीं दिया गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया देखो सर, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, खुद मैं गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ, तो मैं इस दर्द को भली भांति समझ सकता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन कितना संघर्ष कितना त्याग करता है। और रही अपनी चैंपियन लड़की विनेश की बात, तो उसका तो पूरा जीवन ही संघर्ष के साथ बीता है, चाहे आप 2016 का ओलंपिक उठा लो, 2016 में भी मेडल लेके आते। सर आप कौन सा गेम खेल रहे थे और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मदीना गाँव, मेरा रोहतक मदीना, और मेरा गेम है कबड्डी। अच्छा, क्या सोचकर ये कावड़ उठाई आपने कि मैंने खरगोदा पहुँचना? मैंने ये सोचा कि जब लड़की हमारी लड़की है जो मेंटली और फिजिकली सिस्टम से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है, अपनी बहन बेटी की लड़ाई लड़ रही है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम विनेश के दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन बांट जरूर सकते हैं। तो हमारा यही था कि भी जो लड़के इतनी लड़कियों की मिसाल कायम की है उसने, तो हम उसका हौसला ना टूटने दें। दानी साहब लगातार विनेश पर सवाल निशान है वो उठा रहे हैं, अब जब कल वो आई तो वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दिए उनके साथ, तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है वो बीजेपी बता रही है। देखो क्या है कि पॉलिटिकली ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रही दीपेंद्र की बात, जो दीपेंद्र के ऊपर उठा रहे हैं, दीपेंद्र तो भी पहले दिन से जा रहा। दूसरी बात भाई, जो बीजेपी वाले हैं दूसरे तीसरे हैं वो चले जाते, कोई उनको मना थोड़ी नहीं कर रहा था, इसमें कोई फॉर्म थोड़ी नहीं भरने थे, तो वो चले जाते, स्वागत है सबका इसमें, तो सबके साथ जगह है वो बेटी। आपकी विनेश से बात हुई कि मैं गंगा जल लेकर आपके घर पहुँच रहा हूँ? हमारी विनेश के परिवार से बात हुई है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हम भगवान जी के लिए कुछ लेकर के आते हैं तो बता करके नहीं जाते हैं कि हम आपके लिए लेकर, एक श्रद्धा होती है, एक मान सम्मान होता है। भगवान का रूप दे दिया आपने विनेश को? बिल्कुल दे दिया सर, क्योंकि सच बताऊं जब मुझे 7 तारीख को पता लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब शरीर से जान निकल गई है। संदीप जी आप भी स्पोर्ट्स मैन रहे हो, 100 ग्राम वेट के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्या मैनेज है वो किया जा सकता था? 100 ग्राम सॉरी। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है कि रूल रेगुलेशन होते हैं, बट उसके बाद जो अपील हुई, बाकी चीज़ें हुई, तो वो चीज़ें मैनेज कर सकते थे, कहीं ना कहीं एक लेवल पर मैनेज कर सकते हैं, बट ये लगा लो कि भाई मैनेज कर सकते थे, बट काम काफ़ी कमियां रही हैं, बट हमारा ये मानना कि हमारी लड़की ने, हमारी बेटी ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, बाकी मालिक है वो सब।